महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर बिलानी नगर के गन्ना समिति परिसर में चल रहे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भारी संख्या में बिलानी नगर के साथ साथ देहात क्षेत्र के लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने पहुंचे। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी मीना दीदी ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व भारत में द्वापर युग से मनाया जाता है। इस दिन को हम ईश्वर के इस धरा पर अवतरण के समय की याद में मनाते हैं। शिव के अलावा किसी और को हम परमात्मा नहीं कहते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं, बाकी सभी हम मनुष्य उसी निराकार परमपिता का यादगार दिवस मनाते हैं। राजयोगिनी अलका दीदी ने बताया कि शिव के साथ रात शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि वे अज्ञान की अंधेरी रात में इस सृष्टि पर आते हैं। जब सारा संसार मनुष्य मात्र अज्ञान रात्रि में माया के वश में होकर सो जाता है, जब सभी आत्माएं पांच विकारों के प्रभाव से पतित हो जाती हैं, इस दौरान भारी संख्या में नगर व देहात क्षेत्र के श्रद्धालु मौजूद रहे। पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है, जैसे गुड़ बोल दो तो गुड़ कहने से मुख मीठा नहीं होगा, लेकिन जब गुड़ को खाएंगे तब ना परमात्मा ने कहा कि बच्चे तुम्हें वैसा बनना है जिसकी आप महिमा करते आए हो ना। जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं, उनकी महिमा में क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो ये महिमा अपने अंदर लानी है, हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो वो जो महिमा अब तक गायब हुआ अपने अंदर लानी है, जब हम धीरे धीरे करेंगे तो सब होता जाएगा। ऐसे नहीं कहने की बात है, ऐसे कहते ही है, होता नहीं है ना। परमात्मा इस धरती पर आए हैं जो ऐसा करवा के जाएंगे, लेकिन उसको वो ही कर पाएंगे जो उसको समझेंगे, है ना। क्योंकि सतयुग में क्या होगा, सतयुग में बहुत कम जाने वाली आत्मा है। इस दुनिया की जो शुरुआत होगी तो वो थोड़े से ही तो होगी, जहाँ कम रहते हैं वही तो शांति होती है। अब क्या हो गया, अब दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई, तो सारे में क्या है, अशांति अशांति है। लेकिन सतयुग में तो क्या होगा, बिल्कुल शांति होगी। तो वहां पर जो जनसंख्या होगी वो भी क्या होगी, बहुत थोड़ी होगी।